नमस्कार किसान भाइयों, देसी मुर्गी पालन में आज हम एक नया शेड कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो ये शेड जो है इनिशियल स्टेज में है, तो इसके बारे में ही आज हम जानकारी लेंगे। जब हम देसी मुर्गी पालन शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहली स्टेप कंस्ट्रक्शन ऑफ पोल्ट्री शेड यह आती है। और आज जबकि हमारे इनिशियल स्टेज में है शेड, और ये 3,000 स्क्वायर फीट का शेड है, तो ये वीडियो मैं इसलिए डाल रहा हूँ कि बहुत बार लोगों को जो शुरुआत रहती है शेड की, तो किस तरह करनी चाहिए इसके ऊपर बहुत सारे प्रश्न रहते हैं। तो आज हम ज़रा देख लेते हैं कि इनिशियल स्टेज में हमने क्या क्या कंस्ट्रक्शन किया है और आगे जाके क्या क्या कंस्ट्रक्शन होने वाला है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले तो हमने यहाँ पे जो साइट सेलेक्ट की है, तो पोल्ट्री शेड के बाजू में 100 फीट तक कुछ भी कंस्ट्रक्शन नहीं है, खुली जगह है, तो यह हमें देखना ज़रूरी रहता है। और उसके बाद डायरेक्शन जो है वह ईस्ट वेस्ट, पूरब से पश्चिम होनी ज़रूरी है, वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमने पूरब पश्चिम रखी हुई है, और इसकी विड्थ जो है 30 फीट है, और लंबाई जो है 100 फीट की लंबाई हमने रखी है। आप देख सकते हैं, यहाँ से भी आपको समझ में आएगा, तकरीबन 10-10 फीट पे हमने यह लोहे के खंबे जो है ये सपोर्ट के लिए दिए हैं। इस यहाँ पर आप लोहे के भी ले सकते हैं या सीमेंट के भी खंबे ले सकते हैं। तो शुरुआत जब शेड की करनी है तो हमने साइट सेलेक्ट तो की है, तो साइट सेलेक्शन के बाद जब एक्चुअल शेड की लेंथ ब्रेड्थ जब लेते हैं हम, तो उसके बाद इसका बेसमेंट जरूरी रहता है। तो हमने यहाँ पे जेसीबी लगा के पहले तकरीबन 3 फीट का बेसमेंट के लिए गड्ढा खोद के लिया था, और उसमें हमने यहाँ पे जो पत्थर देख रहे हैं ऐसे पत्थर का बेसमेंट बना दिया है, और वह ज़मीन लेवल तक हमने भर के लिया था 3 फीट का गड्ढा। और उसके बाद जो है आप देख सकते हैं कि उसके ऊपर हमने तकरीबन 2.5 फीट का कंस्ट्रक्शन किया है, जो ज़मीन लेवल से ऊपर है। ज़मीन लेवल के ऊपर कंस्ट्रक्शन करना ज़रूरी है। बहुत बार किसान भाई पैसे बचाने के लिए कंस्ट्रक्शन जो है ज़मीन लेवल के ऊपर नहीं करते, लेकिन ये कंस्ट्रक्शन इसलिए ज़रूरी है कि जो पानी है बरसात का वो अंदर नहीं आता, और बहुत बार जो चूहे हैं इनसे भी तकलीफ नहीं होती। तो ज़मीन के ऊपर आप दे सकते हैं कि तकरीबन 2.5 फीट का हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया है, तो इसे हम प्लिंथ बोलेंगे, क्योंकि ये जो नीचे का कंस्ट्रक्शन आप देख रहे हैं पत्थर का कंस्ट्रक्शन जो हमने किया है, तो अंदर की साइड आप देखेंगे तो जहाँ तक पत्थर का कंस्ट्रक्शन है वहाँ तक हमने अंदर जो है सीमेंट कंक्रीट के लिए वहाँ तक भरा हुआ है, तो यह अंदर से वहाँ तक हाइट आ जाएगी इसकी। उसके बाद उसके ऊपर हमने वीटों का कंस्ट्रक्शन किया है। यहाँ पे मटेरियल जो है अलग अलग यूज़ कर सकते हैं, जैसे हमने नीचे पत्थर लिया है तो आप पत्थर की जगह ब्रिक्स भी ले सकते हैं। उस तरह ये कंस्ट्रक्शन, इसके रेट्स भी आपको पता है, आपके एरिया में अलग अलग एरिया में अलग अलग रेट्स है। तो हम चारों तरफ शेड के घूमेंगे, देखेंगे। तो मैं बता रहा था आपको कि ये नीचे का कंस्ट्रक्शन, उसके ऊपर जो आपको देख रहा है 1 फीट का हमने कंस्ट्रक्शन किया है ब्रिक से। तो यह 1 फीट जो है यह अंदर की हाइट है, क्योंकि अंदर हम देखते हैं कि जब पोल्ट्री बर्ड्स रखते हैं तो बाहर की हवा उन्हें डायरेक्टली नहीं लगनी चाहिए, इसलिए यह 1 फीट का कंस्ट्रक्शन रहता है। और जो लोहे के खंभे हैं आप देख सकते हैं कि हमने प्लिंथ में ही इनको गाड़ा है, ताकि हवा जब तेज़ी से चलती है तो शेड को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। तो यह खंभे अगर कंस्ट्रक्शन में नीचे के आ जाते हैं तो शेड हमारा और अच्छा बनता है, और हवा या बरसात के मौसम में इसे कुछ शेड को तकलीफ़ नहीं होती है। अंदर की साइड आप देखेंगे तो ज़मीन लेवल से तकरीबन 3 फुट तक हमने अंदर का लेवल ऊपर लिया है ज़मीन से। ये भी बहुत ज़रूरी है, यह खाली पानी से प्रोटेक्शन इसका रहता है, क्योंकि बाहर अगर पानी ज़्यादा हो जाए तो अंदर बहुत बार मॉइस्चर बढ़ने के चांसेस रहते हैं। तो बाहर का जो ज़मीन लेवल है उससे 3 फीट ऊपर का मटेरियल आप देख सकते हैं कि हार्ड रॉक मटेरियल यह है, तो यह हम पहले बिछा देंगे और सीमेंट का आ जाएगा, तो उससे और हार्ड ये आप देख सकते हैं कि लंबाई हमारी तकरीबन 100 फीट है और चौड़ाई जो है 30 फीट की है। यह हमारी पूरब साइड की साइड है, पूरब दिशा की साइड है। यहाँ पे दीवार आ जाएगी, ये दीवार पूरी शेड की जितनी हाइट है तकरीबन 11 फुट, तो इतनी दीवार यहाँ पे पूरब साइड में आ जाएगी। उसी तरह उधर एंड में जो पश्चिम साइड है वहाँ पर भी दीवार आ जाएगी, और ये जो नॉर्थ और साउथ साइड दिख रहा है आप, तो यहाँ पे
अभी ये जो कंस्ट्रक्शन हुआ है इसके ऊपर मेटल की जाली जो आती है वो 7 फीट की जाली यहाँ पे आने वाली है, और उसके बाद ऊपर आपको पता है कि मेटल सीट या सीमेंट सीट हम बिठाने वाले, तो हम तो अभी मेटल सीट बिठा रहे हैं, लेकिन फार्मर के पास ऑप्शन रहता है कि सीमेंट सीट भी वो बिठा सकते हैं। खर्च सबसे इम्पॉर्टेंट है, तकरीबन खर्च देखा जाए तो हर एक मटेरियल का तो मैं आपको खर्च नहीं बता पाऊँगा, लेकिन अभी फ़िलहाल जो हमारा खर्च आ रहा है वह तकरीबन हमारा जो प्लान हमने किया है इंजीनियर से तो 150 रुपये पर स्क्वायर फीट, यानी अभी हमारा 3000 स्क्वायर फीट है तो तकरीबन 4.5 लाख तक हमारा पूरा कंस्ट्रक्शन 4.5 लाख में 3000 स्क्वायर फीट का हो जाएगा। ये इनिशियल वीडियो है, पूरा शेड जब बन जाएगा तब उसके बाद हम पूरा और एक बार इसका डिटेल में वीडियो बनाएंगे। जैसे कि बहुत किसान पूछते हैं हर एक आइटम को, उन्हें खर्च पूछना रहता है, लेकिन मेरे लिए भी ये बताना मुश्किल है क्योंकि सीमेंट से लेके पत्थर सब जो ये मेटल के आप देख रहे हमने इनका अलग अलग खर्च भी हमने इंजीनियर को बोला था वो, लेकिन मुझे मिल नहीं पाया है। तो लेकिन एवरेज अगर देखा जाए तो 150 रुपये स्क्वायर फीट से शेड हमारा पोल्ट्री का कोई भी एरिया या कोई स्टेट हो, इसमें थोड़ा बहुत 10% रेट कम ज़्यादा हो जाएगा, जैसे कि मटेरियल के ऊपर डिपेंड है, सीमेंट के क्या रेट है, लोहे के क्या रेट है, कंस्ट्रक्शन का जो पर स्क्वायर फीट का क्या रेट है, इसके हिसाब से इसमें 10% कम या ज़्यादा रेट हो सकते हैं। तो यह इस तरह हमारा इनिशियल स्टेज में यह शेड आ चुका है, अगले 8 दिन में हमारा कंस्ट्रक्शन पूरा हो जाएगा, तो उसके बाद हम पूरा जो इसका डिटेल वीडियो है वो भी हम देखने वाले। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 फीट का हमारा जो नीचे का प्लिंथ का कंस्ट्रक्शन हुआ है, उसके ऊपर हमने 4 इंच का एक सीमेंट लेयर भी लिया है, और इसके ऊपर ब्रिक्स का कंस्ट्रक्शन आ जाएगा, तो यह बहुत ज़रूरी रहता है। इसमें थोड़ा खर्च बढ़ जाता है, लेकिन जो हमारा पोल्ट्री शेड है वह बहुत अच्छे तरीके से, यानी ज़्यादा से ज़्यादा साल तक हम इसका यूज़ कर सकते हैं या रिपेयर मेंटेनेंस की इसमें ज़रूरत नहीं आती, तो कंस्ट्रक्शन में हमें बहुत अच्छा ध्यान देना ज़रूरी है। और जो बातें हमने आज डिस्कस की वो भी आप ध्यान में रखिए, ताकि अगली बार आपको अगर शेड बनाना है तो ये बातें बिल्कुल आपको फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। तो आज के वीडियो में हम यहीं पर रुकते हैं, आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू।